जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाना सही था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। 2019 में इसके खिलाफ कुल 18 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर 16 दिन सुनवाई हुई है। इस पर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया था और आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला होगा और जो भी फैसला 370 के सिलसिले में आएगा वो सबको मंजूर होगा। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। देश के सुप्रीम कोर्ट में सियासत नहीं चलती है। दूसरी तरफ संसद का शीतकालीन सत्र भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। 370 पर आज सुप्रीम फैसले का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से बहस हुई, उसके बाद आज फैसला आ सकता है। 16 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है। आपको बता दें 370 हटाना है या सही है या गलत है, इस पर आज फैसला हो जाएगा। और लंबे समय से इसको लेकर याचिकाओं का दौर भी जारी था और 16 दिन तक इस पर कार्रवाई चली, उसके बाद आपको बता दें आज फैसला सामने आएगा।